बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन की ओर। 1114 व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है बीजेपी का 36 वर्षीय आईटी योद्धा। श्रुति ईरानी के पास है 4.71 करोड़ की संपत्ति, नहीं है ग्रेजुएट। श्रुति ईरानी के हलफनामे पर कांग्रेस, अब खबरें विस्तार से। 1114 व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है बीजेपी का 36 वर्षीय आईटी योद्धा। कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक 36 वर्षीय दीपक दास गोपालपुर गांव में दवाई की दुकान चलाते हैं और 1114 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है। दीपक एक नंबर से 229 ग्रुप के एडमिन है और दूसरे नंबर से 885 ग्रुप के एडमिन है। बतौर दीपक, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उनके जैसे कार्यकर्ताओं को आईटी योद्धा कहते हैं। श्रुति ईरानी के पास है 4.71 करोड़ की संपत्ति, नहीं है ग्रेजुएट। केंद्रीय मंत्री श्रुति ईरानी ने गुरुवार को अमेठी उत्तर प्रदेश से नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह ग्रेजुएट नहीं है, जबकि 2014 के लोकसभा नामांकन में उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का दावा किया था। उन्होंने बताया है कि उनके पास कुल 4.71 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्ति 1.75 करोड़ है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। श्रुति ईरानी के हलफनामों पर कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री श्रुति ईरानी द्वारा अमेठी उत्तर प्रदेश से दायर नामांकन में ग्रेजुएट नहीं होने का हलफनामा देने पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। गौरतलब है कि श्रुति ने 2014 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में बताया था कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइक की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।